व्हाट्स अप गाइस, स्वागत आप लोगों का तीसरे एपिसोड में। तो जैसा कि आपको पता है, पिछली वीडियो में सबसे ज़्यादा कमेंट आए थे कि एक शोल्डर का वर्कआउट होना चाहिए। इसी बात पे मैंने बहुत तगड़ा पंप मारा था कि आपको थोड़े शोल्डर दिखे भरे भरे। तो आज हम करने वाले हैं 5 बेस्ट एक्सरसाइज फिर से। किस चीज़ की? आपको पता ही चल गया होगा, शोल्डर की। मेरे शोल्डर जब मैं आया था बहुत कमज़ोर थे, ठीक है, और आपने मेरी कुछ बेसिक एक्सरसाइज ही कराई है, कभी कुछ अलग नहीं कराया। तो वे 5 एक्सरसाइज ही बताएंगे शोल्डर को एक शुरू में इनिशियल पंप देने के लिए। आपका ट्राइसेप टायर्ड ना हो तो आप साइड रेज करके फिर अपना वर्कआउट शुरू करेंगे ना, तो आप और बेटर फील करेंगे पंप। और सर, जैसे शोल्डर में प्रेसिस हमारी हैवी होनी चाहिए, बिल्कुल, और साइड हमें मूवमेंट अच्छी होनी चाहिए। इसमें मूवमेंट अच्छा हो, वेट बहुत मैटर नहीं करता, रेपिटेशन भी हाई हो जाए वैसे, इसमें मसल को पकड़ना बेटर करता है। तो पहली एक्सरसाइज सर साइड रेजिस, पहले साइड रेजिस ही करें, ठीक है, डंबल से। हमने वर्कआउट इसलिए सीधा 15 डंबल उठाया, आपने हल्के से शुरू करना है, ठीक है। और सर वार्म अप नॉर्मल हल्के से स्टार्ट करें, बिल्कुल, कोई भी एक्सरसाइज साइड रेजिस कर ले बेशक करना चाहे तो। और सर इसमें रेपिटेशन का क्या रहता है हमारा? 12 से 16 रैप ट्राई करेंगे। और अगर आपने वेट उठा लिया एक बार वर्किंग सेट के लिए, अगर 16 में नहीं टायर्ड हुए, 2-4 रैप ऊपर जा रहे तो जाने दो, तो नेक्स्ट सेट में बढ़ा दो सर, ठीक है। बस हल्का सा अपने शोल्डर से थोड़ा सा ऊपर जाना है, हाँ थोड़ा ऊपर ला, हाँ ठीक है, ठीक है। 8, 9, 10, 11, 12 और लगा दे 4 रैप, जा ऊपर नीचे स्लो आ, चल चल बस। इसमें सर सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, मेरे को भी 3 साल में सबसे ज़्यादा दिक्कत आई थी कि मेरा माइंड मसल कनेक्शन बन ही नहीं पाया। मतलब मैंने शोल्डर वर्कआउट तो पहले भी किया है, पर मैं कुछ भी कर लूँ यहाँ पर है ना, कभी पंप आया ही नहीं सही से। अब ये जो टाई है ना आपके आर्म्स का और शोल्डर का, ये जो यहाँ पर आपको कॉन्ट्रेक्शन फील होना चाहिए, ये हाँ इधर ये इस पर, तो ये पंप होगा इस पर असर आएगा तभी यहाँ पर फील होगा आपको कॉन्ट्रेक्शन। तो सर जैसे कोई नया है और उसको समझ ना आए कि साइड में पंप ही नहीं आ रहा, हाँ, तो वो किस तरीके से मूवमेंट स्टार्ट करें? जितना कर सकते हो साइड में रखना, एक तो ये हो गया, एक ऐसे मारते हैं लोग साइड में रहेगा ना बाजू, हाँ जी, यहाँ नहीं रखना, यहाँ रखना ये हिस्सा बस, ये जो उठाओ ये, हाँ। इसमें सर एक तो खड़े होके हम कर रहे हैं, हाँ, और एक बैठ के करते हैं, कई लोग स्टूल पे, वो तो किसी से भी कर लो, और कई लोग ऐसे बेंच पे छाती लगा के करते हैं, वो फिर ये डेल्टी पे आ जाएगा। अच्छा, अगर आप बैठ के करेंगे तो आपके पैरों से कुछ नहीं मिलता, बस हाँ हाँ थोड़ा लाइट लगेगा, इसमें हल्का सा बॉडी का मोमेंटम देंगे कर सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा जोर जोर नहीं करते, थोड़ा बहुत तो चल जाएगा। तो दूसरी एक्सरसाइज है हमारी डंबल प्रेस। अब इसमें खड़े हो गए सर, बैठ के करना, इधर फेस कर ले, ठीक, बेंच इंक्लाइन रहेगा तो पीछे शोल्डर से हल्का नीचे आना, बहुत ज़्यादा नहीं, हाँ बस चल ऊपर लॉक कर इसको, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अब थोड़ा स्पीड बढ़ा सकता लास्ट में, शोल्डर करा तो 3 लैप और आ जाते हैं। और सर जैसे हमारे शोल्डर में 3 पार्ट है बेसिकली, हाँ, फ्रंट साइड और रियर डेड, हाँ, तो हमेशा हमें कोई पार्ट को जैसे रियर से स्टार्ट करे या फ्रंट को ट्रेन करे या देखो साइड को? ज़्यादातर लोग बिगिनर्स हैं जो हमें इन शेड्यूल्स को फॉलो करते हैं, बिगिनर्स हैं, हाँ, तो उनको सिर्फ शोल्डर को ट्रेन करना है, वीक कौन सा है, स्ट्रॉन्ग कौन सा है, इस चक्कर में अभी नहीं पड़ सकते आप, क्योंकि आपके पूरी बॉडी का डेवलपमेंट करना है आपने, हाँ, जो प्रोफेशनल एथलीट वो देख सकता है मेरा रियर डेल्ट वीक है, मेरा जैसे रियर डेल्ट वीक है, तो उसको प्रायोरिटी भी ले सकते हैं, या एक ट्रेनिंग में आप फ्रंट से शुरू कर लो, एक ट्रेनिंग में रियर से शुरू कर लो, ठीक है सर। और हेड प्रेशर में साइड डेल्ट हो ही जाता है ट्रेनिंग, मोस्टली जो है एथलीट का रियर डेल्ट वीक मिलता है हमारे यहाँ, उसको शुरू से लेके नहीं चलते इसलिए। तो वो भी बताएंगे कि कौन सी एक्सरसाइज से आपका स्ट्रॉन्ग बनेगा, मेरा थोड़ा बहुत हो रहा है पहले। वर्कआउट आप किसी भी पार्ट का करो, हमेशा रिकवरी सबसे ज़रूरी होती है, और आफ्टर वर्कआउट प्रोटीन सप्लीमेंट मस्ट होता है। अगर आप जिम जा रहे हो, मसल बिल्ड करना चाहते हो, फैट लॉस करना चाहते हो, जो प्रोटीन मैं यूज़ करता हूँ वो है बिग मसल्स न्यूट्रिशन का प्रीमियम गोल्ड वे। इस प्राइस में बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन है, ये आता है इनफॉर्म चॉइस के सर्टिफिकेशन के साथ साथ, इसमें ट्रस्ट सील आती है, जहाँ पर जाके आप इस प्रोटीन की लैब टेस्ट, अमीनो
प्रोफाइल, हैवी मेटल टेस्ट, सारी रिपोर्ट चेक कर सकते हो। एक स्कूप में है 25 ग्राम प्रोटीन, 11 ग्राम EAA और ये आता है प्रोहाइड्रोलेज एंजाइम के साथ, जिससे आपका डाइजेशन में भी आपको दिक्कत नहीं आती। लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके चेक कर लेना। बिग मसल न्यूट्रिशन का प्रीमियम गोल्ड वे। आफ्टर वर्कआउट हमेशा लेता हूँ 1 से 2 स्कूप। फेवरेट फ्लेवर है बेल्जियन चॉकलेट। बिग मसल न्यूट्रिशन प्रीमियम गोल्ड वे। अब एक्सरसाइज नंबर 3 सर, बारबेल प्रेस करते हैं। बारबेल प्रेस, खड़े हो गए। अब सर इसका मेन काम कहाँ पर है, प्रेसिस का काम? तो इसका थोड़ा लोड ज़्यादा रहेगा, लेकिन कोई भी ओवरहेड प्रेस है ना, वो पूरे शोल्डर को डेवलप करती है। ठीक है, थोड़ा सा लोड इस पर ज़्यादा रहेगा, बस थोड़ा हल्का सा हम फ्रंट में करने की कोशिश करेंगे, ये नहीं करेंगे साइड में, नहीं ज़्यादा, हल्का सा शोल्डर से साइड में। हाँ। और जिसकी सर कमर वमर में ज़्यादा दर्द हो वो बैठ जाए, सारा ले ले। लॉकिंग जरूरी होती है सर ऊपर? बिल्कुल लॉक नहीं करना, हल्का सा बैंड रहेगा, सेम चेस्ट में और शोल्डर में, ये है 4 5 6 7 8 9 लगा दे गोल्ड, बस। वैसे ये भी कर सकते हैं लास्ट के 2-3 रैप में, जो थोड़ा सा अगर स्ट्रेंथ लेवल अच्छा है। अगर आपको ये कॉन्फिडेंट है ना कि आप इंजर्ड नहीं होगे, हाँ। तो आप चीट रैप लगाओ सर बाद में। हाँ, बिगिनर्स ना लगाए। मेरी सर ये था, मैंने शोल्डर की ग्रोथ जब ही देखी है कि मेरे को पता मैं इंजरी नहीं, हाँ, होती। ठीक है, अगर मैं साइड रेजिस कर रहा हूँ, थक जाता हूँ, तो आप मरवाते रहते हो, क्योंकि हमारे साइड मसल से छोटे मसल डेवलप हो चुके हैं, स्ट्रेंथ ले चुके हैं। और ऐसे ही जब भी मैं प्रेस करता हूँ, तो जब रखने वाला होता हूँ ना, तो मुकेश सर हमेशा 2-3 प्रेस करके टिक करके मरवाते हैं। और सर जैसे रेस्ट टाइम नॉर्मली रहता है इसमें? जब आपको लगे मैं रिकवर कर रहा हूँ, मेरी ब्रीदिंग नॉर्मल हो गई है और मेरी स्ट्रेंथ भी गेन हो गई अगले सेट के लिए, वो 2 मिनट के आसपास का टाइम होता है। अच्छा, बहुत ज़्यादा रेस्ट कर देंगे वो भी गलत है, बहुत कम रेस्ट करेंगे तो आप रैप पूरे नहीं कर पाएंगे फिर, वो भी गलत है। 3 4 5 6 7 8 और किसी से सर जैसे मुझसे अभी 8-9 रेपिटेशन आ रही है, हाँ। वैसे मैंने वर्कआउट कर लिया ऑलरेडी, हाँ, हाँ। ऐसा तो नहीं होना होता ना सर कि आपका 12 ही निकलना चाहिए कुछ भी करके? नहीं नहीं, अगर पहला सेट ले रहे हैं वर्किंग सेट, हाँ, वो 12 से 15 भी जा सकता है, हाँ। कोई इशू नहीं, मसल फेलियर रह पाना चाहिए। लास्ट सेट होता 12 पे नहीं आए, 13 पे आ जाए, 14 पे आ जाए, अगर 15 तक भी नहीं आ रहा फिर आपका वेट हल्का है, लास्ट के सेट में वो 8-9 पे भी आ जाए, 7-8 पे भी आ जाए, तो एनपीडी की पूरे कर दो, मतलब ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा वेट इंक्रीज कर लो। ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 3। अब क्या करेंगे सर? रियर डेल्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी इस हिस्से को करेंगे बेसिकली, ये वाला हिस्सा है, और यही आप लोग कभी मिरर में देखना है, फोटो खिंचवा लेना पीछे से, ये डेवलप ही नहीं मिलता। वैसे मेरा थोड़ा बहुत है पर नहीं मिलेगा आपका। ये मोस्टली हमारे एथलीट जो शुरू करते हैं खेलना, उनका ये रियर डेल्ट नहीं मिलता है। और सर कुछ लोगों के शोल्डर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, मतलब पता नहीं, मेरा सर कभी शोल्डर अब तो नहीं, अब ऐसा लोग कहें कि किसी के बाइसेप जल्दी तगड़े हो जाते हैं, अब तेरे बाइसेप जल्दी तगड़े हो गए जो कि मैं ट्रेन नहीं करता। ये जेनेटिक्स भी है थोड़ा सा, आप किस पार्ट में मजा लेते हैं शुरू में, जब ट्रेनिंग शुरू करते हो, आप वो किस में मजा आ रहा है वो जल्दी ग्रोथ कर जाता है। जैसे मेरा माइंड मसल कभी बना नहीं शोल्डर के साथ, अब धीरे धीरे जाके खींचते, अब वो प्रायोरिटी लेना शुरू, अब लोग कहते हैं चेस्ट छोटी दिख गई शोल्डर बड़े हो गए। तो रियर में क्या करें सर? रियर में वेंटिलेटर रेज कर रहे। ये एक्सरसाइज है जो मैंने यहाँ पर सीखी थी आकर, मेरे को रियर में कभी इफेक्ट नहीं आया था कि यहाँ पर इस वाले पार्ट पर इफेक्ट कैसे डालू, और मुकेश सर मानते थोड़ी सिखा के रहते हैं। इसमें क्या होता है कि सर हम इसको बाहर फेंकते हैं, हाँ, हाँ। ये वाला हिस्सा अगर हम इसको पीछे ज्यादा ले जाएंगे ना, हाँ, ये ऐसे पीछे फेंकेंगे, हाँ, हाँ। तो ये आपके लेफ्ट में चला जाएगा, हमें लाना है सिर्फ इस हिस्से पे, इस पे लाना, तो थोड़ा सा आगे रखेंगे और नीचे कंट्रोल में लेके आना, हाँ। इसमें रेपिटेशन मैटर नहीं करेंगे, मीडियम वेट पकड़ के, जब आपका ये हाथ उठना बंद होगा तब सेट फिनिश होगा, वो 20 रैप भी निकल सकते हैं, 25 भी निकल सकते हैं, 20 से ऊपर आए तो बढ़ा लो वेट, लगा और लगा, नीचे कंट्रोल में जा, नीचे थोड़ा, हाँ, ऊपर पकड़ने की कोशिश कर इसको, चल चल और लगा दे, 4-5 रैप, हाँ बस। जब ऐसे उठने बंद हो गए तो जब छोड़ दो, ये देखो भाई एक सेट में
इतना माइंड मसल बन गया। चाहो तो केबल से भी कर सकते हो, वैसे मैं तो डंबल से करता हूँ, मुझे मजा भी आता है। केबल से सर जब हम करते हैं ना तो हमारा दिमाग यही रहता है कि ये यहाँ से तार सही पकड़ा गया या हम सीधे खड़े है या थोड़ा इस साइड हो जाए। किसी को मजा आए तो करो वैसे। हाँ भाई थक गया, बात कर ली। इसमें रेस्ट की ज़्यादा जरूरत नहीं है, आइसोलेशन मूवमेंट्स में किसी में भी 40 सेकंड का रेस्ट काफी होता है। और सर अगर हम शोल्डर एक्सरसाइज में कोई सुपर सेट लगाना चाहे तो जरूरी नहीं है ना? जरूरी तो किसी में भी नहीं है, और बस उसका फायदा यह है कि आप थोड़ा सा कम वेट से अपने आप को ट्रेन करना चाहते हो तो आइसोलेशन मूवमेंट करके कंपाउंड करेंगे तो वेट कम उठेगा लेकिन पंप वैसे जाएगा। और किसी की सर शोल्डर ग्रोथ एकदम प्लेटो हिट कर गई है कि ग्रो ही ना हो रहे तो ट्रेनिंग कैसी करें? या तो इंटेंसिटी बढ़ाओ, लोड बढ़ा के रेस्ट टाइम बढ़ा दो थोड़ा सा और नंबर ऑफ एक्सरसाइज कम करके वॉल्यूम ज्यादा मत करो, लेकिन जो करो हैवी कंपाउंड मूवमेंट। मतलब अगर बहुत ज्यादा लाइट कर रहे हो थोड़ा हैवी कर दो। हाँ। और नहीं तो रेपिटेशन बढ़ा दो। ऑलरेडी आप हैवी कर रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ा दो, रेपिटेशन थोड़े बढ़ा दो, नंबर ऑफ एक्सरसाइज बढ़ा दो। देखो भाइयों अगर आपको ऑल ओवर लुक मेंस फिजिक के हिसाब से सर चाहिए तो मतलब चौड़ा दिखना ना, ना चेस्ट ना कुछ काम नहीं आएगा, ये हिस्सा काम आएगा आपका, ये डेल्ट और ये लेग्स भाई काफी। मतलब देखो मेरे वेट में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, 2-3 किलो मैंने गेन किया है ठीक है, पर जो मैं लुक देख रहा हूँ सर अपना ऑल ओवर वो बहुत चौड़ा हुआ है। हाँ। तो फुल हवाबाजी चाहिए ना ये चौड़ा दिखना सबसे, तो ये एक्सरसाइज जरूर लगाओ और चौड़ा सबको दिखना है। और मेंस फिजिक में सर अगर आपका स्ट्रक्चर ही छोटा रह जाएगा, शोल्डर और वेस्ट का ही तो खेल है सारा, शोल्डर वेस्ट का रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारी सर चौथी एक्सरसाइज, पांचवी एक्सरसाइज हम करेंगे अपराइट रोइंग। उसको चाहे तो आप बैक के साथ भी ट्रेन कर सकते हो, चाहे तो शोल्डर के साथ भी कर सकते हो अपराइट रोइंग। अपराइट और सर जो हम श्रग्स करते हैं बेसिकली इसको हम शोल्डर में ऐड करें अलग? वैसे तो देखो बैक का मसल है, ये जो ट्रेपेजियस है ना, ये शोल्डर का मसल है ही नहीं, ये बैक का मसल है, पूरा जो रम्बर्ड है ना तो बैक में बताएंगे, ये बैक का मसल है। ये आपका फ्रंट डेल्ट में भी आएगा, लेकिन एक्सरसाइज हम कर रहे हैं ट्रैप्स के लिए, थोड़ा सा ऊपर आके ना ये हमारा ट्रेपेजियस ऐसे, ये पूरा रम्बर्ड ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए ये वाला ऐसे। तो इसमें सर ग्रिपिंग कितनी दूर होनी चाहिए हमारी? शोल्डर से थोड़ा हल्का सा अंदर, ठीक है ना, बाहर ना बहुत ज्यादा अंदर। तो ये है ठीक है, ये हल्का सा पोज देगा आधा सेकंड का, फिर नीचे आ जाए, चल हाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ना, और हाँ ठीक है। ये ट्रेनिंग तो ट्रेपेजियस की है लेकिन आपके पूरे ओवरऑल डेल्ट पे भी काम कर रही है, तगड़ा हो रहा है मेरा भाई देख लो। लास्ट सेट है, लास्ट सेट के नाम पे लाइक कर दो सारे, देख ले रहा। चल भाई चल लगा दस रहे, 6 7 8 9 एक और तो ये था हमारा शोल्डर का वर्कआउट। अब बता दो नेक्स्ट कौन सा चाहिए, वही बना देंगे हम, वो आप कमेंट करो, सब रेडी हम बनाने के लिए, आप बताओ तो एक बार कमेंट में। तो देख लो भाई ये शोल्डर, आज मेरे को बढ़िया लग रहा है खुद को देखकर कि मेरी प्रेप स्टार्ट हो गई है और बॉडी कंडीशन हमारी अच्छी है सर, और साथ साथ आप करते रहिए ठीक है। तो भाइयों शेयर कर देना, आप भी करो, और शोल्डर तगड़े होने चाहिए आपके, छोटे रहे तो आपने या तो एक्सरसाइज गलत करी है या आपने ये फॉलो नहीं करी, इनमें से एक ही होगा। तो लाइक कर देना भाइयों वीडियो को, सब्सक्राइब करना मत भूलना, वो जरूरी है, देख लो सब्सक्राइब कर दो भाई, कर दो यार, कर दे भाई कर दे। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना मुकेश सर, मेरे को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिलते अगली वीडियो में भाइयों, नॉट पीस गेट्स।